अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमें किसी को अर्जेंट कॉल करनी है, लाइक हमको शाम को कॉल करनी है और हम शाम में उस कॉल को करना भूल गए, या फिर हमको किसी को विश करनी है, जैसे कि किसी का बर्थडे विश करना है हमको रात के 12 बजे और हम 10 बजे ही सो गए और हम उसका बर्थडे मिस कर गए, या फिर हम किसी को मेल करना चाहते हैं नेक्स्ट डे और जैसे ही नेक्स्ट डे आया तो हम उसको भूल गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमें चाहिए शेड्यूल मैसेजेस, शेड्यूल कॉल्स, शेड्यूल मेल्स, तो ये सारी ही चीजें आपको मिल सकती हैं एक एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से हम कॉल का एक शेड्यूल बना सकते हैं, मैसेज का शेड्यूल बना सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अपनी ईमेल्स का भी शेड्यूल बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये सब होगा किस तरह से। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्विडिट एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड स्क्रीन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन को अब ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ से देख सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन में साइन इन करना होगा। साइन इन के लिए आप चाहें तो अपने फेसबुक अकाउंट को यूज कर सकते हैं या फिर अपने ईमेल आईडी से यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ पर साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। और अब आप यहां पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहां पर हम अपनी कॉल्स का शेड्यूल बना सकते हैं, एसएमएस का शेड्यूल बना सकते हैं, ईमेल्स का शेड्यूल बना सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप का भी शेड्यूल बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम यहां पर कॉल्स का शेड्यूल बना लेते हैं। तो कॉल पर क्लिक करते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्क्विडिट एप्लीकेशन को कुछ परमिशन देनी होगी। तो चलिए यहाँ से ओपन सेटिंग पर क्लिक करते हैं और एक्सेसिबिलिटी में सर्विसेज में आके हम स्क्विडिट एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और चलते हैं बैक। और अब हम यहाँ पर कॉल्स का एक शेड्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के सामने आप उस नंबर को फीड कर सकते हैं जिस नंबर पे भी आपको कॉल करनी है टाइम के हिसाब से। लाइक मुझे रात को 8 बजे किसी को कॉल करनी है तो यहाँ पर मैं उसका नंबर एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर नोट टू सेल्फ, यहाँ पर हम अपने लिए कोई नोट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो टाइम आएगा, जिस भी टाइम के लिए आप यहाँ पर शेड्यूल बना रहे हैं, तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन में आप जो भी यहाँ पर नोट लिखेंगे वो आपको शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नोट टू सेल्फ में मैं लिख देता हूँ अर्जेंट कॉल। इसके बाद यहाँ पर हमें शेड्यूल के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डेट दी गई है, इसके अलावा यहाँ पर हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी डेट को सेट कर सकते हैं जिस डेट में भी हमें इस कॉल को करनी है, साथ ही यहाँ पर हम वो टाइम भी सेट कर सकते हैं जिस टाइम में हमें इस कॉल को करनी है। तो यहाँ डेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी रेंडमली हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइम सेट कर लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट एवरीवेयर का यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम चाहें तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर ओनली वंस ही रहने देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफाई मी बिफोर सेंडिंग, इसके सामने ऑलवेज ऑन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लेकिन हम यहाँ पर इसको एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप जिसके लिए भी शेड्यूल बना रहे हैं, जैसे ही उसका कॉल का टाइम आएगा तो इस एप्लीकेशन में हमें एक नोटिफिकेशन नजर आएगा और उसमें अर्जेंट कॉल लिख किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपने ये शेड्यूल इस टाइम के लिए फीड किया था तो आपका ये टाइम आ चुका है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैसेज का या फिर मेल्स का एक शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर ऑलवेज ऑन का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑलवेज ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर हम मैसेज को तो ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉल करनी है तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपको नोटिफाई करेगा, उसके बाद आप मैन्युअली कॉल करेंगे लेकिन मैसेज में आपका मैसेज जो है वो ऑटोमेटिक ही सेंड हो जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉल्स वाले ऑप्शन में वन कॉल शेड्यूल लिख के भी आ गया। तो यहाँ पर हमने एक कॉल का एक शेड्यूल बना लिया है। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ से एसएमएस का शेड्यूल बना सकते हैं, ईमेल्स का शेड्यूल बना सकते हैं, फेसबुक का शेड्यूल बना सकते हैं, साथ ही यहाँ पर हम व्हाट्सएप का भी शेड्यूल बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सबके लिए अलग अलग शेड्यूल बना के नहीं दिखा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने कॉल का शेड्यूल बनाया है ठीक इसी तरह से हम एसएमएस का शेड्यूल बना सकते हैं, ईमेल्स या फेसबुक व्हाट्सएप का भी शेड्यूल बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।